फ्रेंड्स, लुई गैंग एक चाइनीज लॉयर है। सन 2006 में इन्होंने काफी अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया। इनका दावा था कि उन्हें एक मैप मिला है। वो मैप है सन 1421 का, एक्चुअल में 1418 सही कहना चाहिए। वो मैप एक्चुअल में क्या है, पूरा एशिया, अफ्रीका, यूरोप कॉन्टिनेंट तो उसके अंदर है ही, साथ ही साथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को भी वहां शो किया जा रहा है। इट मीन्स लुई गैंग का दावा ये है कि 1492 यानी कि जब क्रिस्टोफर कोलंबस पहली बार अमेरिका में गए, उससे लगभग 71 साल पहले ये मैप है। अब उनका क्लेम कि ये मैप आया कहाँ से, किसने बनाया, तो उनका कहना है कि ये मैप जेंग ही ने बनाया। फ्रेंड्स, ये जेंग ही कौन है? जेंग ही, अगर चाइनीज ट्रेडिशन की बात करूं तो फ्रेंड्स, जेंग ही बहुत बड़ा नाम है। 1403 से लेकर 1430 तक उनकी पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन में काफी वॉयजेस रही, काफी बड़े सेलर रहे, काफी रिस्पेक्टेड नाम है उनका। उनका दावा है कि जेंग ही ने पहली बार अमेरिका को सर्च किया, और तो और इनकी इस बात का समर्थन देने के लिए ब्रिटिश सबमरीन लिटिनेंट कमांडर, आई थिंक मैं सही ना पूरा उनकी प्रोनाउंस कर रहा हूं, तो उन्होंने एक बुक भी लिख दी, 1421 द ईयर चाइना डिस्कवर अमेरिका। फ्रेंड्स, ये क्लेम कुछ ज्यादा ही बड़ा था। गेविन ने बहुत ज्यादा बड़ा रिस्क लिया था। लुई गैंग के बारे में तो मैं नहीं कहूंगा, ठीक है, एंथुजियास्ट हैं, उनके देश के हैं, तो वो थोड़े भावनाओं में भी शायद बह सकते हैं, लेकिन इस क्लेम को अगर देखा जाए तो धजिया खुद गुवेन ने ही उड़ाती है। गुवेन ने क्लेम किया कि 1421 में एक चाइनीज सेलर हुए जेंग ही, उन्होंने अमेरिका को ढूंढा था और उसका आधार उन्होंने इस मैप को ही बनाया। लेकिन ये मैप, इस पर डेट ही 1418 की है, तो पहली प्रॉब्लम तो यही आती है। लेकिन आइए देखते हैं हिस्टोरियंस का कहते हैं। सबसे पहला चैलेंज इन्होंने चाइनीज यूनिवर्सिटी के ही एक गोंग यिंग यान ने किया। फ्रेंड्स, वे जिंगजियान यूनिवर्सिटी के हिस्टोरियन है, और उनका दावा है कि इस मैप में बहुत प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम अगर आप देखेंगे तो आपको पहली नजर में ही समझ में आ जाएगा। अगर आप यहां देखें, मैप में दो सर्कल बने हुए हैं, मतलब पूरा एफ्रो एशियाटिक और यूरोपियन प्लेट एक तरफ है और अमेरिकन कॉन्टिनेंट दूसरे ग्लोब के अंदर है। इस तरह की डिनोमिनेशन मैप्स में यूरोपियंस ने दी थी, और वो भी 17वीं शताब्दी के आसपास दी थी। 15वीं शताब्दी में तो ये हो ही नहीं सकता था, तो पहला क्लेम तो यही फेल हो जाता है। दूसरा, इस मैप पर कल्चरल फीचर और रिलीजियस फीचर भी दिए गए हैं अमेरिकन कॉन्टिनेंट के। वहां पर जिस तरह के क्लेम्स है वही बहुत डाउट क्रिएट करते हैं। जो वर्ड वहां यूज किया गया है फ्रेंड्स, वो है वेस्टर्न गॉड। वेस्टर्न गॉड अमेरिकन एवरिजिनल्स के जो गॉड्स हुए उनको यूरोपियंस ने कहा वेस्टर्न गॉड्स। इस तरह की टर्मिनोलॉजी कभी चाइनीज ने यूज नहीं की। गॉड वर्ड चाइना में पहली बार आया ही क्रिश्चियनिटी के बाद था, जब क्रिश्चियनिटी के कदम चाइना में पड़े थे। उससे पहले वहां गॉड वर्ड को अपने ही शब्दों के साथ यूज किया जाता था, और ये वर्ड 16वीं शताब्दी में आया था, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स, लियू गैंग ने उम्मीदें तो बहुत बड़ी बना दी थी, लेकिन गौर से देखा जाए तो मैप है बहुत साधारण। एक और हिस्टोरियन है फ्रेंड्स, जियोफ वेड, इनका इन्होंने तो इस पूरे दावे को धराशायी कर दिया। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये जो ड्यूअल हेमिस्फीयर का कॉन्सेप्ट है, ये कंप्लीटली यूरोपियन कॉन्सेप्ट है। 15वीं शताब्दी में तो कम से कम एशिया में ये कॉन्सेप्ट था ही नहीं, इवन यूरोप में भी नहीं था, यूरोप में भी बाद में ही आया। दूसरा, जियोफ वेड कहते हैं कि जितनी डिटेलिंग यहाँ इस मैप में दी गई है, इनफैक्ट जैसे नदियां वगैरह वगैरह इसमें दी हुई है, ये एशिया में नहीं दी जाती। और लॉजिकली अगर हम सोचें कि जेंग ही सच में अमेरिका गए थे, जिस भी रूट से गए हो वे अमेरिका के कॉर्नर यानी कि बीचेस तक गए होंगे, शायद कुछ किलोमीटर अंदर तक चले गए होंगे, उन्हें वहां पूरे कॉन्टिनेंट का मैप कैसे मिला? और वो मैप भी छोटा मोटा नहीं, पूरी डिटेल के साथ, वहां माउंटेन्स भी हैं, रिवर्स भी हैं, क्योंकि नेटिव अमेरिकन इस तरह के मैप नहीं बनाया करते, दिस इज फॉर श्योर। तो ये अपने आप में बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है। फ्रेंड्स, सारी पोल खुलती है आप जब यहाँ इस मैप को और ज्यादा डिटेल में देखते हैं, स्पेशली इन दिस फिगर। अगर आप यहाँ देखें कि अमेरिकन स्टेट कैलिफोर्निया को पूरे एक द्वीप की तरह दिखाया गया है, आखिर ऐसा क्यों? फ्रेंड्स, ये एरर था मैप्स के अंदर मेरे ख्याल से 17वीं शताब्दी में, जब अमेरिका को पूरी तरह से डिस्कवर नहीं किया गया था, मतलब एक एक पॉइंट को नहीं देखा गया था, तो उस समय यह माना जाता था कि कैलिफोर्निया एक आइलैंड ही रहा होगा। और ये एरर एग्जैक्टली पता लगाता है कि हाँ, उस समय के मैप को यहाँ पर कॉपी किया गया है। एक क्लेम और है, वैसे तो ये मैप पूरा चाइनीज में है, मुझे वैसे भी समझ में नहीं आने वाला, लेकिन एक क्लेम और है इस मैप के अंदर कि यहाँ माउंट एवरेस्ट को हाईएस्ट पीक ऑन द प्लेनेट दिखाया गया है, और ये बात तो
19वीं शताब्दी में कंफर्म हुई है। तो यानी कि ये मैप 19वीं शताब्दी का चाइनीज कॉपीड वर्जन है। फ्रेंड्स चाइनीज में एक खास बात है, क्योंकि हम भारतीय इस बात को ज्यादा समझते हैं, चाइनीज क्या करते हैं कि जैसे इंडियन एरियाज हैं उनके चाइनीज नाम रखना शुरू कर देंगे, और 30 40 साल बाद कहेंगे कि यार इस एरिया को तो हम इस नाम से जानते हैं। अरे तुमने 30 40 साल पहले से नाम रखना शुरू किया? हम ये लोग पहले ही, जैसे अरुणाचल प्रदेश का उन्होंने कुछ अपना नाम रखा हुआ है, अरे हमने अरुणाचल प्रदेश पता नहीं कितने हजार साल से बोल रहे हैं, तुमने इसका नाम अभी कुछ समय पहले ही चाइनीज रखा है। इसी तरह से इनके शायद ये जो लुई गैंग है ये सोच रहे होंगे, लियू गैंग सॉरी, ये सोच रहे होंगे कि मैं एक मैप क्लेम करता हूँ और कहूंगा, बाद में जाके फ्यूचर जनरेशन कहेंगी कि इतने सालों से तो हमें पता था कि वहां अमेरिका है, लेकिन नकल के लिए भी अकल चाहिए, जो प्योर कॉपीड माल है यार। लेकिन फ्रेंड्स चलिए ये तो हुई लाइट नोट, मतलब मजाक की बात, लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्रिस्टोफर कोलंबस से पहले क्या अमेरिका पर कुछ और भी गए हैं? फ्रेंड्स किंवदंतियां तो यही कहती हैं, खासकर यूरोप की किंवदंतियां। एक प्रिंस ऑफ वेल्स हुए हैं, उनका नाम प्रिंस मैडॉक। फ्रेंड्स ऐसा माना जाता है कि प्रिंस मैडॉक अमेरिका पर गए और वहीं जाकर सेटल हो गए, लेकिन उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। इसी तरह की कुछ कहानी वहां सेंट बर्नर्ड को लेकर है, सेंट ब्रिंडन को लेकर है, कि वो अपने कुछ शिष्यों के साथ पूरे अटलांटिक ओशन को पार करके अमेरिका में जाकर सेटल हो गई, लेकिन फिर वही कंफर्मेशन लैक करती है। लेकिन एक कंफर्मेशन है जो 1960 में जाकर बिल्कुल 100% कंफर्म हो गई, वहां कनाडा में न्यू फाउंडलैंड में 1960 में एक आर्कोलॉजिकल सर्वे हुआ, वहां पर वाइकिंग्स की साइट मिली। यानी कि कभी ना कभी अतीत में वाइकिंग्स की कोई जनजाति जो कि पोर्चुगीज से निकलकर कोई ना कोई सेटलमेंट वहां पर रही होगी। ऐसा माना जाता है कि लेफ एरिक्सन नाम के वाइकिंग वहां पर आए थे और उन्होंने इस जगह का नाम विनलैंड रखा था। फ्रेंड्स ये तो एक ऑथेंटिकेटेड डाटा है, डेट एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन फिर भी 1000 AD के आसपास की है। लेकिन और अमेरिकन सेटलमेंट विद ह्यूमन बींग्स किस तरह से हुई, लगभग हम सभी जानते हैं कि जिस तरह से होमोसोपियंस का ट्रांस पूरे प्लेनेट पर फैलना हुआ, तो रशियन साइड से जब बिफोर आइस एज जब अमेरिकन कॉन्टिनेंट और रशिया आपस में जुड़े हुए थे थ्रू लैंड ब्रिज, तब वहां मास माइग्रेशन हुआ था और पूरे नॉर्थ अमेरिका इवन मिडल अमेरिका को सेंट्रल अमेरिका को उन्होंने फुलफिल किया था। लेकिन फ्रेंड्स एक और इंटरेस्टिंग कहानी है, पोलिनेशियन लोग। पोलिनेशियन लोग कौन? वे लोग जो पैसिफिक ओशियन में एबोरिजिनल्स हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इवन माओरी जनजाति अगर आपने सुना हो, जो पैसिफिक ओशियन के छोटे पेपुआ न्यू गिनी इधर, ये जो लोग हैं ये लोग भी माइग्रेट करते थे अमेरिका में, और ये रिसेंट डीएनए स्टडीज से पता लगा है। फ्रेंड्स ब्राजील की मूल जनजातियों में इन्हीं पोलिनेशियंस का डीएनए मिलता है, मतलब ये वो ब्रांच नहीं है जो रशिया से आई थी, वो ब्रांच है जो डायरेक्टली वाया सी यानी कि पैसिफिक ओशन को पार करके अमेरिका पहुंची थी। लेकिन फ्रेंड्स जो भी, मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा, और मुझे लगा शायद आपके साथ इसको डिस्कस करना चाहिए। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये छोटी सी प्रेजेंटेशन जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एज यूजुअल थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।